नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि येस बैंक अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो एक पेनी स्टॉक्स है। तो इस पेनी स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक अच्छा खासा न्यूज भी आप बोल सकते हैं। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, तो उस अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस येस बैंक के ऊपर निवेश करके रखे हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट भी निवेश करके रखे हैं, तो शायद उसको मार्केट के बारे में उतना, शायद जब वो भी निवेश किया था उसके उस उतना मतलब मार्केट के बारे में उतना पता नहीं था, तो इसलिए शायद उन्होंने निवेश कर दिया। तो वो अभी लॉसेस में है, तो वो मुझे कमेंट किया कि सर अभी क्या करना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा इसका जितने सारे अपडेट्स आते हैं उसके बारे में आपको दिखाता रहता हूँ। क्योंकि देखिए, आप अपडेट देखेंगे तो मतलब अपडेट और न्यूज देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा हाँ कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूचर में वो फिर से खड़ा होकर मतलब खड़ा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में कि इस न्यूज के बेसिस से क्या कंपनी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे और क्या फ्यूचर में इस कंपनी में पोटेंशियल फिर से मिल सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में आपको हमेशा बने रहना होगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस बहुत सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पहले मैं बता दूं, येस बैंक मतलब एक रिटेल बैंकिंग है, मतलब एक प्राइवेट बैंक है। और इसका जो फाउंडर है वो राणा कपूर है, अशोक कपूर है। तो राणा कपूर एंड अशोक कपूर, इस दोनों के कारण में ही इस बैंक का हालत इतना खराब हो गया। इसका जो फाउंडर है तो क्या किया था वो, उसके ऊपर तो मैं पहले बहुत सारे वीडियो बना के दिया, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एक्चुअली इसका सब्सिडरीज कौन है, देखिए येस बैंक का सब्सिडरीज है डीएसटीवी, देखिए येस सिक्योरिटीज लिमिटेड और अदर्स। तो डीएसटीवी भी इसका सब्सिडरीज है। तो कंपनी का हेड ऑफिस है आप देख सकते हैं मुंबई, और यहाँ पे कंपनी का सीईओ जो है वो आप देख सकते हैं प्रशांत कुमार। तो कंपनी में पिछले दिनों में देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी काम कर रहा था, तो उसके बाद सडनली थोड़ा सा गिरावट हो, उसके बाद सडनली यहाँ पे जाम। तो इस सडनली जाम के पीछे रीजन क्या था और रीजन क्या है उसके बारे में आपको जानना है, क्योंकि देखिए जो मार्केट गिरावट हुआ था उससे आप टॉप लेवल में देखो तो करीबन 6% तक जाम। तो अचानक 6% तक जाम होने का कारण क्या है, देखिए आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए हमेशा एक साइड बेसिस पैटर्न में चलते आए हैं, तो उस तरीके से रैली आपको नहीं देखने को मिलेगा। 5 दिन में देखेंगे, सर 1 मंथ में देखेंगे तो देखिए इतना गिरावट हुआ। हाँ, गिरावट के पीछे हर स्टॉक का कारण आप जानते हैं, तो इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो 6 मंथ में देखिए, 6 मंथ में कंपनी पॉजिटिव रिटर्न आपको जरूर दिया होगा 2-2.5% तक। 1 साल में देखिए 12% तक लॉस दिया, और इसके बाद 5 साल में आपको तो नजरिया चेंज हो जाएगा, 95% तक लॉस। देखिए कंपनी किस कौन सा लेवल में था, 400 के ऊपर कंपनी चल रहा था, तो 400 से कंपनी इस किस तरीके से गिरावट दिखाए और किस तरीके से कंपनी टोटली खत्म हो गई। इस खत्म होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फ्रॉड हुआ है इस बैंक के ऊपर। साथ ही साथ सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने वोडाफोन आइडिया को दिया हुआ है, और वोडाफोन आइडिया का हालत आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हालत अभी हो चुके हैं। मैक्सिमम भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखेगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखे क्या होगा, किस जिस तरीके से एक माउंटेन की तरह रैली किया, उसके बाद माउंटेन की तरह ही इसका ढलान देखने को मिला। तो अभी ये चार्ट पैटर्न के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अचानक यहाँ पे 6% तक तेजी देखने का कारण क्या है। तो चलो पहले मैं न्यूज को कवर कर देता हूँ, उसके बाद इस कंपनी में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। मैं थैंकफुल कहूंगा इकोनॉमिक टाइम्स को। आप देख सकते हैं येस बैंक सिक्स स्कैम, तो येस बैंक के ऊपर जो स्कैमिंग है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। HS डायरेक्ट स्पेशल CBI कोर्ट टू डिफर फार्मिंग ऑफ चार्जेस अंटिल अप्रैल 1। तो इसका मतलब क्या है आप एक बार डिटेल्स में देखिए, द बॉम्बे हाई कोर्ट, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका जो केस है उसको अपील किया गया है। HC मतलब हाई कोर्ट थर्सडे के दिन हैज आस्क्ड द स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो मतलब CBI इन्वेस्टिगेशन, जो एक्चुअली CBI है,
वो क्या किया, कोर्ट टू डिफर फार्मिंग ऑफ चार्जेस इन द यूएस बैंक डीएचएफएल केस अंटिल अप्रैल 1। मतलब डीएचएफएल से जो जो फ्रॉड हुआ था यस बैंक में, डीएचएफएल भी जिम्मेदारी है। एक्चुअली यस बैंक को आज इतना खराब पोजीशन में आने के लिए बहुत सारे कंपनी जिम्मेदार है, उनमें से और एक बड़ा कंपनी है डीएचएफएल, इसके केस अभी भी चल रहा है। तो उसी का आप ये देखिए, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा कौन से डेट से, अप्रैल, 1 अप्रैल से, और इसीलिए मार्केट सडनली जाम दिखाया। देखिए इस तरीके से जाम होने का कारण क्या है, अगर मान के चलिए आपका एक केस है और उस केस अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ तो आप प्रेशर में रहेंगे, अगर स्टार्ट हुआ और आप जानते हैं कि उस केस होगा तो मैं ही जीतूंगा तो आपके एक पॉजिटिविटी आ जाएगा। तो सेम टू सेम यस बैंक जानते हैं कि डीएचएफएल से जो केस फाइल किया गया था वो बंद पड़ा था कोर्ट के अंदर, तो उस अभी सीबीआई के हाथ में गया, तो सीबीआई के हाथ में गया है, मतलब जल्द से जल्द काम होने वाला है। तो इसीलिए यस बैंक के ऊपर इन्वेस्टर सोचा कि एक अच्छा खासा न्यूज आने वाला है, क्योंकि यस बैंक ही जीतने वाला है, क्योंकि डीएचएफएल ने जिस तरीके से लोन लेके रखा और वो लोन नहीं चुकता करा तो एक फ्रॉड किया है, तो इस फ्रॉड को ऑब्वियसली यस बैंक ही जीतेंगे, तो इसलिए मार्केट को एक पॉजिटिविटी आया। तो इसका जो लोगो है उसी तरीके से मार्केट रैली किया, तो आप खुद ही देख सकते हैं, माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से रैली देखने को मिला, तो कारण जो है वो कारण ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं, कारण जो है एक्चुअली यस बैंक ने जो फैसला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो डिटेल्स है। दिस आफ्टर जेल्ड बैंकर तो एंड यस बैंक, अब देखिए कन्फ्रंटेड और अब देखिए राणा कपूर जो इसका मतलब जो फाउंडर है वो राणा कपूर थ्रू हिज कंसल विजय अग्रवाल मूव्ड ए, यहाँ पे देखिए पेंशन क्लेमिंग, मतलब जो क्लेमिंग किया था एसडी जो एसडीएफएल के ऊपर उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो टोटली जो घोटाला हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 2020 द सीबीआई हैड रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट किसके ऊपर, कपूर के ऊपर, राणा कपूर के ऊपर, द फार्मिंग मैनेजिंग डायरेक्टर यस बैंक लिमिटेड, तो इसके ऊपर एक आरोप लगाया गया था। एंड यहाँ पे देखिए 12 अदर्स इंक्लूडिंग जो कपिल एंड धरज जो है वो ऑफ डीएचएफएल का जो ऑफ द एलिगेशन ऑफ द कपूर एंड हिज फैमिली हैड ऑप्शंस अंडर बेनिफिट टू द टर्न ऑफ 600 करोड़ थ्रू दियर कंपनीज फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,700 करोड़ मेड बाई द यस बैंक। तो यहाँ पे उसी के बाद में यहाँ पे डिटेल्स में बात किया जा रहा है, तो आप इस डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यस बैंक में इस तरीके से तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, मैं कारण आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो अभी का इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपको सस्टेनेबल दे सकते हैं क्या, फ्यूचर के लिए इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लायक है, तो देखिए मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं क्यों हिस्सेदारी नहीं रखा, मैं मेरे ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ। आपके पास हिस्सेदारी है तो फटाफट जाकर माल बेच मत देना, आप स्टडी करना, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन ले लेना, क्योंकि बाद में आप कहेंगे सर आप ही तो बोला था इस कंपनी खराब है। देखिए कंपनी कोई भी खराब हो, आप टाटा मोटर्स को देख लीजिए, टाटा मोटर्स भी खराब था, कितना प्राइस हो गया था, 60 रुपीज आ गया था, 60-64 रुपीज आ गया था, और आज कितना है, 500 के ऊपर है। तो इस कभी भी कंपनी खराब हो, कुछ भी हो, वो कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि देखिए उसका मैनेजमेंट अगर अच्छा हो गया, कंपनी बिजनेस अच्छा हो गया, तो वो फिर से आगे जा सकता है, उसको फंडिंग मिल रहा है तो वो काम कर सकता है। तो सेम टू सेम यस बैंक भी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि यस बैंक का परफॉर्मेंस पहले खराब नहीं था, आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं साल भर की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, चलो आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी किस तरीके से सेल्स करते थे, अच्छा खासा एक सेलिंग्स था, जबरदस्त सेलिंग था, धीरे 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 करके कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहे थे, मगर सेल्स होने के नाते कंपनी का एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, उतना ज्यादा नहीं, मगर मगर आप अभी देखेंगे तो 19,000-20,000 तक 20,000 करोड़ तक यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मतलब कंपनी के पास कितना कर्जा है। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पहले पहले बहुत कम हुआ करते थे, तो अभी बहुत ज्यादा हो गया। साथ ही साथ कंपनी का जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट करते आए हैं, सिर्फ 2020
2021 में कंपनी देखिए लॉस किया, और कोई छोटा मोटा लॉस नहीं, करीबन 16-17 हजार करोड़ का लॉस किया। तो इसलिए देखिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, टोटली नेगेटिव, मतलब आपका फंड का तो पूरा हालत ही खराब कर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा, कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं, जब अच्छा खासा ग्रोथ करेगा तभी इस कंपनी के बारे में सोचना। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आप क्रॉस जरूर दे सकते हैं, और जितने सारे निवेशक निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा रिस्की गेम आप खेल रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा आप एक बार स्टडी कर लेना, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर जिस कंपनी में इन्वेस्टर आप खुद ही देख ले, प्रोमोटर जो प्रोमोटर पहले था वो प्रोमोटर पूरा के पूरा माल बेच दिया, प्रोमोटर जिस कंपनी से निकल गया उसका मतलब क्या है, हाँ पहले कंपनी का प्रोमोटर थे और अभी वो पूरा के पूरा माल बेच दिया, उसका मतलब कंपनी के ऊपर उसका भरोसा उठ गया कि कंपनी फ्यूचर में टोटली बर्बाद होने वाला है। तो इन्वेस्टर आप कहेंगे सर इन्वेस्टर तो इतना माल उठा के रखा, डीआई तो 45% माल उठा के रखा। तो देखिए इन्वेस्टर के जो टारगेट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में अगर माल उसको प्रॉफिट मिल जाए तो वो निकल जाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए 40% होल्डिंग था और कितना हो गया उसके बाद मार्च 2020 और मार्च 2019, मतलब कितना दिन हो गया, एक साल के अंदर उसका पूरा माल बेच दिया। इसका मतलब समझिए उसका प्रॉफिट हो जाता है तो वो माल बेच के भाग जाते हैं। तो आप तो इन्वेस्टर है, आपको भी इस शॉर्ट टर्म में काम करना है तो चलो तब के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी बहुत पैनिक आपको दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।